आपने दुनिया के हजारों पक्षियों को देखा होगा जो कि अपनी सुंदरता और विशेष गुणों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल फिजेन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मोनाल फिजेन उत्तराखंड का सबसे सुंदर पक्षी है। यह पक्षी दिखने में इतना सुंदर होता है कि यह उत्तराखंड का राजकीय पक्षी ही नहीं बल्कि नेपाल देश का राष्ट्रीय पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। मोनाल का सामान्य अर्थ नीला मोर से होता है, इसलिए इसे मोनाल नाम से जाना जाता है। यह पक्षी तीतर की कैटेगरी के अंदर आता है, जहां यह उन इलाकों में पाया जाता है जहां हिमालयी क्षेत्र होता है। मोनाल पक्षी दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। जो भी इसे देखता है उसे इस पक्षी को छूने का मन कर जाता है। उत्तराखंड का यह राजकीय पक्षी बनने की मेन वजह हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर से है, क्योंकि यह मोर की तरह ही दिखता है और उससे भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। मोनाल पक्षी की खासियत तो यह है कि इसमें नर और मादा को पहचानना बेहद आसान है। जैसे इंसानों में ही देख लीजिए, लड़कों के बाल छोटे और दाढ़ी मूछें आदि होती हैं, वहीं लड़कियों के बाल लंबे और उनकी स्किन सॉफ्ट होती है, जहां हम आसानी से मेल फीमेल की डिफरेंस को समझ लेते हैं। सेम मोनाल पक्षी के साथ भी ऐसा ही होता है। मोनाल पक्षी में नर दिखने में काफ़ी सुंदर और चटक नीले हरे रंग का होता है, वहीं मादा मोनाल दिखने में सेम तीतर की तरह लगती है जिसका रंग भूरा होता है। नर मोनाल के सिर के ऊपर जो तीन पंखुड़ियाँ टाइप की दिखती है उससे नर मोनाल काफ़ी सुंदर लगता है। मोनाल पक्षी को नेपाल में डेनफी नाम से बुलाया जाता है, जहां यह पक्षी सिर्फ नेपाल, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत, भूटान और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। मोनाल का अंडा दिखने में चकत्तेदार और लगभग मुर्गियों के अंडे के बराबर होता है। दोस्तों, भले ही मोनाल पक्षी उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्यों ना हो, लेकिन यह पक्षी संकटग्रस्त स्थिति में धीरे धीरे आ रहे हैं। आज उत्तराखंड में मोनालों की संख्या सिर्फ 990 रह गई है, जो कि अन्य पक्षियों की संख्या से 83% कम है। मोनाल पक्षी के इतिहास की अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि जिस प्रकार से डोडो का अंत अत्यधिक शिकार किए जाने के कारण हुआ था, जिससे ये पक्षी हमेशा के लिए विलुप्त हो गए, ब्रिटिश टाइम में जब अंग्रेज लोग हिमालयी क्षेत्रों में जाते थे तो वे मोनालों का खूब शिकार करके इनको खाया करते थे। मोनाल पक्षी भी सेम डोडो के भांति उड़ान कम ही करता था। बाद में कहा यह भी जाता है कि कई इंडियंस ने भी मोनाल पक्षियों का काफ़ी शिकार किया था। जब 9 नवंबर 2000 के समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, तब मोनाल फिजेन को ही उत्तराखंड का राजकीय पक्षी के नाम से चुना गया, क्योंकि मोनाल पक्षी को राजकीय पक्षी चुनने के 6 कारण थे। पहला कारण, मोनाल पक्षी की सुंदरता। दूसरा कारण, मोनाल पक्षी का एंडेंजर्ड स्टेज में आ जाना। तीसरा कारण, मोर का छोटा रूप। और चौथा कारण, मोनाल पक्षी का रियर दिखना, क्योंकि यह पक्षी भारत के सिर्फ हिमालयी एरिया में दिखता है। पांचवा कारण, मोनाल के प्रति लोगों का अटूट प्रेम। और छठे कारण में यह बताया जाता है कि ब्रिटिश टाइम की एक महिला मैरी इम्फे, जो कि मोनाल पक्षी को बहुत पसंद करती थी, उन्होंने इस मोनाल पक्षी के पीछे अपना सरनेम फिजेन दिया, जो कि इम्फे से ही जुड़ा हुआ था। मोनाल का सन 2000 में राजकीय पक्षी बन जाने से आज IUCN कंजर्वेशन स्टेट स्केल में इस पक्षी का स्थान अब लिस्ट कंसर्न में आ गया है, जो कि काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि 2000 से पहले लोग यही कहते थे कि मोनाल उत्तराखंड से विलुप्त हो जाएगा, लेकिन जब से यह उत्तराखंड का नेशनल स्टेट बर्ड बनकर सामने आया, तब से हम इसकी प्रजाति को संरक्षित करने में काफ़ी सफल हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी मोनाल पक्षी का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, क्या आपने भी मोनाल फिजेन को रियल लाइफ में देखा है? तो कमेंट में यस लिखकर जरूर बताइए, और साथ ही में इस प्यारे से पक्षी मोनाल की वीडियो में लाइक देकर इसे दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है, जो कि हम सभी उत्तराखंडियों के लिए एक गर्व की बात है। मोनाल पक्षी को यदि आपको देखना है तो यह पक्षी आपको उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मिल जाएगा, जिसमें यह पक्षी आपको चोपता, रुद्रप्रयाग,
पिथौरागढ़, उत्तरकाशी आदि जगहों में यह मोनाल पक्षी आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। नैनीताल मीना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप उत्तराखंड के आगे आने वाली वीडियो से निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। मैं हूं आपका दोस्त संदीप, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।